हेलो दोस्तों हमारी रेंच पे एक नई घोड़ी आई है हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है मगर कलर मेरा फेवरेट है एक खूबसूरत घोड़ी अभी इसका नामकरण भी बाकी है हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है मगर स्वभाव अच्छा है हमने इसको राइड करके देखा तो राइडिंग में अच्छी है नियत की अच्छी घोड़ी है तो सोचा कि साथ में बग्गी ट्रेनिंग भी स्टार्ट की जाए फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग इन हैंड ट्रेनिंग कर रहे हैं जे टी एंड महावीर जी क्योंकि पीछे से घोड़ियों को चलने की आदत नहीं होती तो लॉन्ग लाइन से चलाएंगे घोड़ी को पहले और पूरा सामान बग्गी का जो है फिटिंग्स लगा दी गई है ताकि घोड़ी का डर इन चीज़ों से निकले मगर पीछे से चलने की आदत ना होने से बीच बीच में घोड़ी गलत दिशा में मुड़ने की कोशिश करती रहती है उसको करेक्ट करने के लिए महावीर जी जेठ की हेल्प कर रहे हैं घोड़ी अभी फुल अपनी फॉर्म या कंडीशन में नहीं है इसको थोड़ा टाइम लगेगा हमारे टाइप की घोड़ी बनाने में मगर इसके तगड़े होने की वेट हम नहीं कर सकते और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी और इसकी वेलबिंग के लिए भी हमारी कोशिशें चलती रहेंगी कुछ लोग बग्गी में सीधा ही घोड़े को लगा देते हैं मगर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसीज़र से गुज़र के ही घोड़ी बग्गी में लगे कि एक बार जो घोड़ा बग्गी में डर जाता है तो दोबारा वो सेट नहीं आता है सो हम लोग तो अपना पूरा प्रोसीज़र फॉलो करके ही घोड़े को बग्गी में लगाते हैं खाली चलाने के बाद फिर एक हल्का टायर इसके साथ जोड़ा जाएगा बिल्कुल ही हल्के टायर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ भी घोड़ी अड़ेगी काफ़ी रिस्की होता है इसलिए महावीर जी और ईश्वर जी जेटी की मदद कर रहे हैं ईश्वर जी थोड़ा थोड़ा प्रेशर पीछे से डालते जाएंगे ताकि हल्की आदत घोड़ी को लग जाए कई बार फिर टायर बांधते ही घोड़ा घूम के उस टायर में फंस जाता है अभी एक बिल्कुल छोटा टायर जो मोटरसाइकिल का टायर है वो लगाया गया है ताकि धीरे धीरे उसको आइडिया हो कि छाती का जोर लगा के उसको पीछे का लोड खींचना है अगर हम शुरू में ही बड़ा लोड दे देते हैं या बग्गी लगा देते हैं घोड़े की छाती के मसल नहीं बने होते और वो काफ़ी दिक्कत महसूस करता है कई घोड़े चलना ही बंद कर देते हैं अड़ जाते हैं या कई घोड़े खड़ा होकर जोर लगाते हैं आपकी बग्गी आपकी अटैचमेंट्स तोड़ सकते हैं या उल्टे होकर बग्गी के ऊपर भी गिर सकते हैं उस चीज़ को बचाने के लिए ये वेट पुल करने की जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही ज़रूरी है और घोड़े को समय देना चाहिए किसी भी काम को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपके लिए आपके घोड़े के लिए और आपकी बगील के लिए बहुत ही खतरनाक है